ये मेरे पीछे आप कैलेंसबर्ग का टेंपल दिख रहा है। ये बस के पीछे जो 40 लिखा है ना, और उसके नीचे लिखा है व्हेन इट फ्लैश, इट मींस के हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका नई वीडियो में। मैं हूं प्रतीक और हम आज जा रहे हैं सिडनी के एक बहुत अच्छे बहुत बड़े टेंपल की ओर। ये सिडनी से तकरीबन एक घंटे के रास्ते पे है। देखते हैं आपको ये टेंपल कैसा लगता है। आज हम और भी जगह जाने वाले हैं, सिर्फ टेंपल नहीं है। इसके बाद एक बीच जाएंगे और देखते हैं रास्ता आगे आगे कहाँ तक ले जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ, अभी तो देखिए अब आगे का रास्ता। ये टेंपल जो जा रहे हैं हम, वो थोड़ा सिटी से बाहर है, काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है। पीछे जो 40 लिखा है ना, और उसके नीचे लिखा है व्हेन इट फ्लैश, इट मींस के इसमें जब भी स्कूल के बच्चे होते हैं तब ये लाइट्स फ्लैश होती है, और ये 40 से ज्यादा स्पीड में नहीं चलेगी बस। फिलहाल तो स्कूल का ब्रेक चल रहा है यहाँ पर, ये क्रिसमस का ब्रेक है और यहाँ का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल भी है। नाउ वी आर आउट ऑफ सिटी। ये यहाँ का रास्ता देख लो, 80 किलोमीटर का ये रोड है, मीन्स आप 80 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकते, और अभी भी 60 किलोमीटर वी हैव टू गो एंड इट विल टेक अबाउट 45 मिनट्स। अभी 11:10 हुई है यहाँ सुबह की। काफी अच्छा दिन है, तेज धूप नहीं है फिलहाल, क्लाउडी है। हम आ गए हैं हेलेंसबर्ग टेंपल। ये मेरे पीछे आपको हेलेंसबर्ग का टेंपल दिख रहा है। पहले मंदिर में दर्शन करेंगे। ये मंदिर है, काफी बड़ा, काफी अच्छा है, और बेसिकली श्रीलंकन इंडियन या साउथ इंडियन का टेंपल है ये। पर इंडिया के हर स्टेट के धर्म के लोग यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। टेंपल में शूटिंग अलाउड नहीं है तो हम बाहर ही कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जाके फिर शूटिंग नहीं हो पाएगी, सिर्फ दर्शन हो पाएंगे। तो हम दर्शन करेंगे, पहले आपको बाहर का सब दिखा देते हैं। थोड़ा मैं घूम जाऊँ। यहाँ मेरे पीछे जो आपको काफ़ी फैमिलीज और बच्चों की चहल पहल दिख रही है ना, ये यहाँ का कैंटीन है। ऑल टाइप ऑफ साउथ इंडियन फूड्स आर अवेलेबल, ऑफकोर्स पैसा दे के, बट वेरी ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड। आप डोसा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, अगर सुन के मुंह में पानी आ गया है तो आ जाओ यहाँ पर और ये कर सकते हो। लगता है यहाँ मास्क कंपलसरी नहीं है, बहुत लोगों ने नहीं पहना है बट हमने पहन के रखा है। आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। You're in, no!
टेंपल के पीछे के भाग में है, ये आगे टेंपल है। और लॉर्ड शिवा का भजन चल रहा है। ये कैंटीन है, कोई ज्यादा भूख नहीं है, कम से कम लस्सी तो पी सकते हैं। अब मैं मंदिर से बाहर आ गया हूँ, मंदिर में दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया है। अंदर शूटिंग करने की इजाज़त नहीं थी, हमने भी नहीं करा। और ये बाहर का दृश्य है, इसको घुमा के देखते हैं। देखो कितनी बढ़िया जगह के अंदर ये मंदिर बनाए हुए हैं, बिल्कुल जंगल के बीच। सही सही में ऐसा लगता है कि भगवान शिव जी का वास है। बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, और ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल प्रकृति की गोद में है। देखो ये बड़ा मंदिर है, तो मैं जहाँ से निकला वो दूसरा छोटा टेंपल था, इसके पीछे भी वो बड़ा, अंदर गर्भगृह भी बहुत बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। ये पीछे बिल्कुल जंगल है, ठीक है। After 500 meters, turn left 10 into Stanwell Park की ओर। और ये Stanwell Park में बीच है, बच्चों के खेलने की जगह है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको दिखाते हैं सब कुछ, चलो।